हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसके टॉपिक है टॉक बैक प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं बताऊंगी। इस तरीके से अगर आपके में कोई प्रॉब्लम लग गया है, कोई लड़की बोल रही है इसमें ऐसे निशान आ रहा है एंड स्लाइड नहीं हो रहा है, कोई ऐप ओपन नहीं हो रहा है, तो कई बार लग जाता है प्रॉब्लम एंड इन्हें हटाते कैसे वो बताऊँगी। पहले यूज़ करना बताऊँगी, तभी से हटाना बताऊँगी। एंड तो पहले तो हम यूज़ करना बता देती हूँ। तो स्लाइड करने के लिए टू फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं इस तरीके से स्लाइड किया जाएगा। अगर किसी ऐप को ओपन करना हो तो जैसे कि ये वाला ओपन करना चाहते हैं आप, तो अगर निशान आ जाता है उस पर, अगर निशान नहीं आता है दोबारा क्लिक करें। जब उस ऐप पर निशान आ जाता है तब एक ही फिंगर से उस पर डबल टैप क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो आपका ओपन हो जाता है। इसी तरीके से होम करेंगे, अगर क्लिक हो अगर निशान आ गया उसके बाद आपको डबल टैप क्लिक करके इसे होम कर देंगे। देख सकते इसी तरीके से इसका यूज़ करते हैं। अब इसे हटाएंगे कैसे वो बता देती हूँ। सेटिंग को ओपन करेंगे, एक बार क्लिक हो अगर निशान आ गया उसके बाद आपको डबल टैप क्लिक करना है, एक ही फिंगर से डबल बार टच करना है उस पर। एंड इसके बाद आपका है सेटिंग जो है ओपन हो जाएगा इस तरीके से। एंड एक फिंगर स्लाइड करते तो नहीं होता है, टू फिंगर का इस्तेमाल करेंगे स्लाइड करने के लिए। एंड एसेसिबिलिटी पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपको टॉकबैक पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको और यहाँ दिख रहा है यूज टॉकबैक, इस पर क्लिक करेंगे एंड डबल टैप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं। एंड स्टॉप पे क्लिक करेंगे डबल टैप, एंड इसके बाद टॉकबैक ऑफ हो चुका है। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में टॉकबैक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स तब तक नमस्कार।